वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। तो आज हम आए हैं रावण के जन्म स्थान पर बिसरक में, और यहाँ मुझे एक सज्जन मिले हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पूरा मंदिर दिखाया और उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, तो मैंने सोचा कि उन्हें आपको भी सुनाई जाए। तो पहले तो चलते हैं इनसे, इनके ही बारे में कुछ पूछते हैं। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशील तिवारी है, मैं यहाँ पे गौ सेवा और आप लोगों की सबकी सेवा करते हैं, यहाँ मंदिर में देख रेख करते हैं 15 वर्षों से। जो आप आई हो, ये बिसरक गांव है, ये रावण की जन्मस्थली है। रावण ने इसी शिवलिंग की पूजा किया था। यहाँ पर जो शिवलिंग है वो अष्टभुजा शिवलिंग है। अष्टभुजा का मतलब है 8 कोण बने हुए हैं। जैसे रावण का सब प्रथम नाम था दशग्रीवा, नहीं सुना होगा तो दशानन तो सुना होगा। दशानन के बाद रावण, 3 नाम पड़े थे रावण के। तो ये रावण की जन्मस्थली है। रावण ने इसी शिवलिंग की पूजा किया था। रावण था शिव भक्त। तो यहीं से एक गुफा जाती है दूधेश्वर मंदिर, जो लालकुआ गाजियाबाद, यहाँ से 13 किलोमीटर है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग पूजा करने आते हैं, साधु संत लोग। इस तरीके से इसको जाते हैं और यहाँ से ऐसे झुक के जाना पड़ता है। सिंगल व्यक्ति को एक एक करके जा सकते हैं और ऐसे चले जाते हैं ये सीढ़ियों के माध्यम से। पहले यहाँ चौड़ी चौड़ी ईंटों की हुआ करती थी, अब ये नए सिरे से छोटा रूप दे दिया गया और नीचे काफी लोगों के बैठने की है व्यवस्था। रावण इसी गुफा से दूधेश्वर मंदिर जाया करते थे। इसी शिवलिंग की पूजा करने के बाद इसी गुफा से दूधेश्वर मंदिर, जो कि लालकुआ गाजियाबाद के पास में है, यहाँ से 13 किलोमीटर। आप यहाँ पर दूर दराज के साधु संत पूजा करते हैं यहाँ पर, और वो अपना ध्यान करते हैं। किसी को कितना जाप करना होता है, इसीलिए रावण गुफा बोली जाती है। विश्रव जी के बारे में कुछ बताएं। उधर रावण के पिताजी ऋषि विषय सर्वा, उन्हीं के नाम से विषय सर्वा से ही नाम बिसरक पड़ा। और माँ पार्वती की है और रावण के भाई कुबेर की भी है वहाँ पर मूर्ति।
तो उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की और यहाँ जंगल था चारों तरफ। अच्छा, अभी जब आप हमें मंदिर दिखा रहे थे तो अभी आपने बताया था कि वो पार्वती जी के आंसू कैसे बने थे। वो तो गांव की माताएं बहनें हैं, नाखूनी वगैरह लगा देती हैं तो वो बहने लगती हैं इस वजह से, और उस रूम में आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि में ऐसी मूर्ति देखने को मिलेगी, ये एक यहाँ पर बिसरक धाम में जो मूछे वाले भोलेनाथ हैं वो शिव परिवार हैं। थैंक यू भैया, हम गए इतनी सारी बातें बताने के लिए, ये बिसरक गांव के बारे में बताने के लिए, रावण के बारे में। 24 घंटा खुला रहता है, जैसा अभी खुला है, आप रात के 2 बजे आएंगे, जो सामान जैसा बिखरा है उसी तरीके का यहाँ बिखरा हुआ मिलेगा। और यहाँ के जो महंत हैं वो रामदास जी हैं, मैं तो यहाँ पे एक सेवा के रूम में शिष्य हूँ और यहाँ पे गौ सेवा करता रहता हूँ। और इसी तरीके से जो खुला है यहाँ कभी ताला नहीं पड़ता है, और यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी और जो उसके द्वारा ये चार दीवारी बनाई हुई है, और इधर का जो भवन निर्माण हुआ वो पुरातत्व विभाग ने जो पुरानी चीज़ों को सर्वे करता है उसके फंड से हुआ। थैंक यू, आपने हमारा इतना सहयोग दिया, हमारे साथ आपने इतनी सारी बातें साझा करी। इसी के साथ ये ब्लॉग यहाँ समाप्त होता है, धन्यवाद।